हमें एक बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि आज की इस परेशानी को हम तात्कालिक दृष्टि से स्वीकारें और इसमें शासन प्रशासन के साथ सहभागी बनकर के इसमें अपना योगदान दें। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के तीसरे दिन ही बड़े पैमाने पर दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो कामगार और श्रमिक थे, इनका वहां से पैदल ही चलना हो गया। और वे पैदल ही जब उत्तर प्रदेश की ओर अपना रुख किए, इन्हें इनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई और सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने, उन्हें वहां पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना और फिर उस क्वारंटाइन के माध्यम से उन्हें वहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, ये सभी कार्य हम लोगों को वहां पर करने थे। और पहले ही चरण में जो एक सबसे बड़ी परीक्षा हमारी थी कि लगभग 4 लाख लोग जो उस दौरान उत्तर प्रदेश में आए, इन सभी को हमने सुरक्षित इनके जनपद में, इनके गांव में, इन्हें हमने क्वारंटाइन में रखा, शेल्टर होम में रखा, वहां पर इनके लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, दवा आदि की व्यवस्था की। और उसमें मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1.5 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक ऐसे कामगार और श्रमिक आए जिन्हें हम सुरक्षित आज होम क्वारंटाइन में उनके घर में भेजे हैं, और ये सभी संक्रमण से मुक्त हैं। किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का या किसी भी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं, और उसमें से बहुत सारे लोग तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं, लग चुके हैं, अपना कारोबार या कामधाम उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे सामने दूसरा चैलेंज था कि जो हमारे छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गया है, और परिवार से दूर कोटा में रह करके उनके सामने जो परिस्थिति है लॉकडाउन के दौरान, ऐसे 11,500 से अधिक अपने उन युवा साथियों को सुरक्षित इस माहौल में उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई करना एक चैलेंज था, लॉकडाउन था। उस सब के बावजूद बहुत सारी जगह इसके बारे में विरोध भी था, लेकिन उन सभी को पहुंचाना था। इसके लिए फिर हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, राजस्थान सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, और फिर आप लोगों को सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की। हरियाणा के अंदर रह रहे हमारे 11,000 से अधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन सभी को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई ये हम लोगों ने आज प्रातः काल तक संपन्न किया है। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरे उस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर संक्रमण की स्थिति बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है, भारत उससे बचा है और उत्तर प्रदेश उसमें और भी सुरक्षित अपने आप को अभी तक अनुभव कर रहा है, लेकिन आगे भी हमें सतर्क रहना होगा। और उसी सतर्कता के लिए आज मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए आया हूं कि मैं प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन इस हम लोग वीडियो जूम के माध्यम से आपके साथ एक संवाद बना सकें, इसके लिए आज मैं स्वयं भी यहां पर आपसे संवाद बनाने के लिए आया हूं कि वर्तमान में हमारे कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व को ध्यान में रख करके, देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि जान है तो जहान है। आज सबसे पहले स्वयं सुरक्षित रहते हुए और फिर अन्यों को सुरक्षित रहने की प्रेरणा देने के लिए हम लोग इसके बारे में उस जागरूकता के पार्ट बन सकते हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की दृष्टि से आप घर में बैठ करके इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आगे भी हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना इसके बारे में भी बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश का हमारा युवा, उत्तर प्रदेश का हमारा छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही पूरा कर सके।
इस दृष्टि से अलग अलग जनपदों में कैसी कार्य योजना बननी चाहिए इसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग स्तर पर कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है। हमने कल और आज में प्रयागराज में हमारे बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे, लगभग 10,000 से अधिक छात्र थे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए थे। उन सभी लोगों को भी हम लोगों ने, वे भी पिछले कई महीनों से प्रयागराज में थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की और आज सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही। वे सभी भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयागराज में रह करके तैयारियां करते हैं, लेकिन उनके उनकी भी सामने भी परेशानी थी और ये प्रश्न उठता था कि वे कोटा से आपने छात्रों को भेजा है तो प्रयागराज के छात्रों को भी भेजा जाना चाहिए। तो मैंने इसी पर कार्रवाई प्रारंभ की, उन्हें भी सुरक्षित स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों की कल से प्रारंभ हो चुकी है और मेरा अनुमान है कि कल तक हम ये कार्य भी पूरा कर चुके होंगे। एक तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु बनाया है। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की कार्रवाई, अपने अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु को डाउनलोड हर एक छात्र करें, हर एक नागरिक करें। दूसरा, इस बात को ध्यान में दें कि जब हम परिवार में भी रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं कहूंगा कि कोटा से आए हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं, ये कम से कम प्रयास करें कि कोटा से जब ये आए हैं तो उसके बाद 14 दिनों तक अलग एकांत में अलग रह सकें, जैसे आप होम क्वारंटाइन कह सकते हैं, तो अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी। अभी मिले जुले बहुत कम लोगों से और 14 दिनों तक इन चीजों को एक बार ध्यान दें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे 1076 पर आप फोन कर सकते हैं या 1070 पर आप कॉल कर सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप अवगत करा सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मेरे पर इस प्रकार के कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं। तत्काल उसमें आपको आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। लेकिन ये सतर्कता पहले हमें, अगर हम परिवार के सदस्यों से मिलते भी हैं, सामने आमने सामने बातचीत करने के लिए बैठना पड़ता है परिवार में, तो प्रयास होना चाहिए कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लोग बैठे, इतनी दूरी बनी रहे। इसके अलावा प्रयास करें कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप बातचीत परस्पर घर में बातचीत भी कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल उस समय आप करेंगे। अगर अकेले बैठे हैं तब मास्क लगाना बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन अगर आप घर में परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। या परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर निकलता है और किसी सामान को खरीदने के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए, खाद्यान्न के लिए, किसी आवश्यक सामग्री की खरीद प्राप्त के लिए बाहर निकलता है, तो उस दौरान मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। मास्क हो या फिर कोई फेस कवर हो, गमछा भी हो सकता है, कोई तौलिया साफ सुथरा हो उसको भी मुंह पर लपेट करके, आप साफा आदि को भी लपेट करके, गमछा आदि को भी मुंह पे लपेट करके बाहर निकलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और संक्रमण से बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हम एक बारे में जरूर लोगों से कहें कि जगह जगह थूकने की जो आदत है ये सब बंद होनी चाहिए, गलत आदतें हैं और ये बंद होनी चाहिए। हमने पान गुटखा या फिर पान मसाला इस प्रकार की जो भी चीजें थी इसको पहले ही प्रतिबंधित किया है, लेकिन हमें अपने सामान्य जीवन में लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि ये संक्रमण को फैलाएगा। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि हम इसके प्रति को सावधानियां बरतें, और इस सावधानी को अगर हम बरतते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक कोरोना योद्धा के रूप में हम सबकी भी अपनी एक भूमिका होगी। उस भूमिका को उस रूप में हम सबको प्रस्तुत करना है, और इसलिए मैं आज आप सभी युवा साथियों के साथ में आज इस संवाद को यहां पर बना रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर के देश की इस लड़ाई को, क्योंकि भारत ने कोरोना में पर जिस प्रभावी ढंग से नियंत्रण प्राप्त करने में अब तक सफलता प्राप्त की है, आगे
की डगर और कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व है, हम लोग अवश्य कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे।